हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और मैं जफर इकबाल, और देखने जा रहे एपिसोड 390 का पार्ट 1। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हुए ये बात नहीं लेते। ओहो, क्या हो गया? पानी है। ये वर्षा तो प्रकृति का ही रूप है। प्रकृति के प्रत्येक रूप के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हाँ जी, देव जी मोदक पर लग गए। लो जी बैठ जी। कितना मनोरम दृश्य है। महादेव का परिवार
एक साथ ही सुरक्षा का आनंद ले रहा है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहने की कला महादेव जी से सीखनी चाहिए। केवल महादेव से ही सीख सकता है। भवन निर्माण।
आप कहीं भी किसी भी अवस्था में रह लेते थे, किंतु अब आपका परिवार है और परिवार में घनिष्ठता लाने के लिए भवन का होना अनिवार्य है। पार्वती, तुम स्वयं प्रकृति हो और तुम्हें इस सत्य का बोध भी है कि जब हमारे पास प्रकृति की गोद है तो हमें भवन की आवश्यकता ही क्यों। इससे सुंदर और उत्तम गृह संभव हो ही नहीं सकता। जल हमारे शरीर को शीतल रखता है। अनेक कंदराएं कैलाश पर जो न केवल ग्रीष्म ऋतु से अभी तो वर्षा और शरद ऋतु से सुरक्षित रहते हेतु पर्याप्त है। होय होय होय, क्या बात है भाई, आराम है, सुकून है। लेकिन सही बात है, आज काफ़ी दिनों बाद हमने ये चीज़ देखी है कि जब महादेव जी और सब मिलकर अपना खाना उन्होंने खाया है और कितना प्यारा माहौल बना हुआ था। और इस चीज़ को लेकर गणेश जी भी काफ़ी खुश थे, कुमार कार्तिकेय जी भी और शोक सुंदरी जी भी, क्योंकि पहले तो अब देखे कुमार कार्तिकेय जी दक्षिण साइड गए हुए थे, अशोक सुंदरी जी वो अपना तपस्या कर रही थी कि एक बार तो ऐसे जैसे सब बिखर गए, ऐसे चीज़ें हो गई थी। अब तो अब सब इकट्ठे हुए हैं, फिर खाना खाया साथ, नंदी जी भी बैठे हुए थे। क्या बात है भाई, एक पार्वती जी चीज़ें समझती भी हैं लेकिन फिर भी वही डिमांड है पहले दिन से जो थी, लेकिन फिर भी भाई महादेव जी एक चीज़ें उनको समझा तो रहे हैं, उम्मीद तो है कि भाई वो एक समझ भी जाएंगे और इस चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है इधर, मतलब कि कलाश है तो हर चीज़। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि उनको थोड़ा फील ज़रूर हुआ स्टार्ट में, जिस तरह उनकी माता को भी फील हुआ था कि कोई ना कोई इस तरह का होना चाहिए, लेकिन बाद में वो भी समझ गई थी और अब उम्मीद है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ रावण ज़रूर चाह रहा है कि सोने का महल हो, वो बनाना चाहता है। यार सही बात है, अब देखते हैं, चलो देखते हैं भाई जी, बोल ले। नहीं सही है, अच्छी बात है भाई, बिल्कुल, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।